क्रेजी। क्या कहने हैं भाई टूर? इट्स माय पॉजिटिव डे, आई डोंट केयर। खैरियत तो है बहू बेगम, क्यों मुस्कुराए जा रही हो? तो अब मेरे मुस्कुराने पर भी आप पाबंदी लगाएंगी? अल्लाह को माने अम्मी जान। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? बता तो चुका, ये जरूरी है। कह रही हूँ ना, मुझे अंदर नहीं जाना। मैं तुम्हारी अम्मी और दादी का सामना नहीं कर सकती। वो मेरी अम्मी नहीं है, बाबा और दादी जान से बात होगी तुम्हारी। बस चलो। अस्सलाम वालेकुम। मुराद, कैसी हो हयात बेटा? यही तमाशा देखने की कसर रह गई थी बस। आओ बैठो बेटा। नहीं दादी जान, बैठने नहीं आए हम लोग। हयात की फैमिली को आज रात खाने पर इनवाइट किया है मैंने। वाकई में? मुझे तो बताया ही नहीं तुमने। तुमने बताया ही नहीं मुराद? ये तो खुशी की बात है, शाम से ही तैयार हो जाऊंगी मैं तो। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो, ये हमारी फैमिली कब से इतनी ब्रॉड माइंडेड हो गई? बस दारिया। तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? हाँ गलत कह रही हूँ मैं? और तुम तो शहर छोड़कर जा रही थी। बिल्कुल जा रही थी, मगर मैंने रोक किया इसे। हैरत है किस लिए रोका? जिस लड़की ने इतना बड़ा झूठ बोला तुमसे, हम सबको महीनों बेवकूफ बनाती रही। जो ऐसी धोखेबाज हो उसे इतनी आसानी से इस घर की बहू बना दोगे क्या? क्या हो गया तुम्हें मुराद? दारिया। अरे क्या दारिया, दारिया क्या करे? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप दोनों माँ बेटा तो पागल ही हो गए हो बिल्कुल। अब इस धोखेबाज की झूठी फैमिली से मिल बैठेंगे जैसे हुआ ही नहीं कुछ भी। मुराद मुझे घर ले चलो। तुम कहीं नहीं जाओगे यार, अगर किसी को तुमसे प्रॉब्लम है तो शौक से जा सकता है यहाँ से। तुम कुछ कहोगे नहीं निजात? जो कुछ हो रहा है होने दो, हम बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है, ओके, मगर मैं इस जहालत का हिस्सा नहीं बनूंगी हरगिज़। मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपको तो इनवाइट ही नहीं किया, आप क्यों आप ऐसे बाहर हो रही हैं? मुराद, माफी चाहता हूं बाबा। हयात मैं जरा जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको ठीक है? यहाँ पर प्लीज। नहीं मुराद, यहाँ नहीं। दादी जान तुम्हें साथ ले जाएंगी कहीं, फिर मैं भी वहीं आ जाऊंगा। मगर मुराद ऑफिस भी तो जाना है, टूअल ने कहा। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना होगा। ओके दादी जान, मेरी बात सुने। बैठो ना बेटा। बेटा तुम आराम से बैठ जाओ यहाँ, मैं आता हूँ अभी। ये लीजिए। आज रात पहनाएगा ना उसे? बल्कि मैं या तेरे बाबा पहनाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। नहीं, ये पहनानी नहीं है, ये अंगूठी हयात नहीं पहनेगी, ये वापस रख दे, नहीं खरीदूंगा। नई अंगूठी? ज्वेलर को बता दिया है कि आप आ रही हैं। ठीक है चली जाती हूँ, मगर तू क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा हूँ दादी जान? हयात को खानदानी अंगूठी क्यों नहीं पहना रहा तू? से आज तो इस दारिया ने हद ही कर दी, दिल जा रहा था जबान गुद्दी से खींच लूं। मुझे परवाह नहीं है उनके कुछ कहने की, बस ये रिंग हयात को नहीं पहनाऊंगा, नई ही आएगी, बल्कि इससे ज्यादा कीमती अंगूठी लेनी है आपको, बस ये नहीं होगी किसी सूरत। ये अंगूठी पुरानी हो गई है, असल में बहुत पुराना स्टाइल है ना। इल्हान नए डिजाइन की अंगूठियां दिखाना चाह रहा है हमें, बस हम चल रहे हैं। तेरे शाया ने शान अंगूठी लूंगी मेरी बच्ची। कोई मसला नहीं है दादी,
फिक्र नहीं करें आप, मुराद को समझती हूँ मैं। मुराद का गुस्सा आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। देखो हयात बेटा, तुम्हें सब्र से काम लेना है। मुराद गुस्से में नहीं, गुस्सा होता तो कोई मसला ही नहीं था, दो चार दिन में नॉर्मल हो जाता। मुराद तो बिखर गया है, दिल टूटा है उसका, भरोसे का खून हुआ है। मगर ये सब होने पर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा, मेरी फैमिली के सामने आकर खड़ा हो गया मेरी खातिर। जरूरतमंद तो बहुत है मेरा बच्चा। बेटा उसकी जिंदगी में बहुत से लोग आए और चले गए, मगर जिन लोगों को उसने चाहा उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं, कभी भी उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ा उसने। तुम्हें बहुत चाहता है मुराद, इसीलिए तो उसका दिल टूट के किरची किरची हो गया है मेरी बच्ची। जख्म बहुत गहरा है, मगर भर जाएगा देखना, मगर सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। मैं ये जख्म भर दूंगी, वक्त से हार नहीं मानूंगी दादी, दोबारा उसका भरोसा जीत लूंगी, उसकी अज़ियत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। देखिएगा दादी, एक दिन वो खुद वो रिंग पहनाएगा मुझे। मेरी बच्ची। ठीक है, बहुत आला, तो अब एक दगाबाज लड़की इस खानदान की बहू बनेगी। अच्छा है आगे जाकर और ठोकरें खाएं ये लोग। बेचारा मुराद, कितना बड़ा बेवकूफ है उसे मालूम है कि उसकी जिंदगी की इमारत एक झूठ पर खड़ी है, तो जाहिर है शादी भी झूठी ही साबित होगी। कैसे फेस करेगा इस बात को कि वो एक धोखेबाज औरत का बेटा है। देखें कहां जाकर पलटा है हयात का खेल, वरना आप लोग तो इस वक्त ग्रेसन में बैठे होते। तुमने बिल्कुल सही कहा। यार ये हयात का बॉस तो वाकई बहुत जीदार आदमी है। बिल्कुल फिल्मों वाली सिचुएशन है। बस कर फरीदे अब तो। हशमत दादा कहाँ है? Love's an unlamar.